डेराबस्सी के निचले इलाकों में पानी भर गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया हैबतपुरा रोड पर बसे गुलमोहर सिटी एक्सटेंशन है। इस सोसाइटी में लगभग 1000 के करीब फ्लैट बने हुए हैं। सुबह से ही पानी ने खेतों की तरफ से दीवार तोड़ दी और सोसाइटी के निचले क्षेत्र जहां पर पार्क बना हुआ है और फ्लैटों की बेसमेंट में पानी घुस गया। 9 बजे के करीब फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां वहां पहुंची और प्रशासन भी तुरंत वहां पर पहुंच गया। दूसरी तरफ से फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने दीवार को तोड़ा और वहां से पानी की निकासी होनी शुरू हो गई। लेकिन बरसात कितनी तेज है और सड़क से भी बह रहा पानी गुलमोहर सिटी एक्सटेंशन सोसाइटी में घुस रहा है। प्रशासन की ओर से भेजी गई 2 स्त्रियों से लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंच गई और लोगों को रेस्क्यू किया गया। गुलमोहर सिटी एक्सटेंशन के अंदर बहुत सारा पानी आ गया था, लगभग 6-6 फीट के करीब पानी आ चुका था, लेकिन 9:45 के करीब लगभग 8:40 पे यहाँ कॉल गई है तो यहाँ 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई हैं गुलमोहर सिटी एक्सटेंशन में। तो उन्होंने उसके बैक साइड पे जो एक दीवार है उसको तोड़ा है, तो पिछले लगभग 1.5-2 घंटे से पानी बाहर निकल रहा है। आप देख सकते हैं इधर पानी ही पानी है, मतलब पूरा समुंदर बना हुआ है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।